व्यूअर्स, आज की स्टूडियो में आपको मुनीर आई और सूरज नबियार की बहुत ही खूबसूरत सी बैचुलर पार्टी और ब्राइडल शावर की मुकम्मल वीडियो दिखाएंगे। आजकल सिर्फ यही सुना था कि ब्राइडल शावर होता है, लेकिन खैर इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से ग्रूम शावर हो रहा है, दोनों ही बैठे नहा रहे हैं। खैर इन तमाम चीजों में गोवा में अपनी तमाम प्री वेडिंग फेस्टिविटीज को जिस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, वाकई बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। इनका कहना है कि हम अपनी शादी को पूरी तरीके से इंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए हम तमाम फैंस तमाम मीडिया की नजर से दूर है और हम चाहते हैं अपनी शादी को अपनी फेस्टिविटीज को फुल इंजॉय करी। इसलिए इनकी अगर बात की जाए इनकी शादी के फंक्शन की या फिर इनके तमाम फेस्टिवल्स की, तो इन्होंने अपनी शादी और फंक्शन को तमाम चीजों को एक बीच रिजॉर्ट में रखा है, इनके जहाँ पर फुल ग्रीनरी हो, जहाँ पर फुल रिजॉर्ट हो और ये हर व्यू नेचुरल के करीब रखना चाहते हैं, ताकि हर चीज खुल्लम खुला आसमानी व्यू के साथ अपनी शादी को भी इंजॉय कर सके। इसी तरीके से बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर्स और वीडियोज जो कि सूरज नबियार की और मुनी राय की नजर आ रही है व्हाइट कलर के ड्रेस में और फिर पूजा पाठ करते हुए, साथ साथ मुनी राय की बॉर्बी डोल के अंदाज में हल्दी लगाते हुए लगवाते हुए बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। और बहुत सारे फैंस को, बहुत सारी जनता को मुनी राय की ब्राइडल बनने का बहुत ज्यादा इगरली वेट है कि बहुत जल्दी मुनी राय 27 जनवरी को ब्राइडल बने और हम मुनी राय को देखना चाहते हैं। व्यूअर्स, आपको कितना ज्यादा वेट है मुनी राय का ब्राइडल बनने का, हमें कमेंट सेक्शन बताना मत भूलिएगा। और साथ साथ आपको ये भी बताते चलेंगे कि सूरज नबियार एक दुबई में बिजनेसमैन है और ये बहुत ज्यादा एक रूमर चल रही थी कि इनकी शादी दुबई में होगी, लेकिन खैर इनकी शादी दोनों की बहुत ही फेवरेट प्लेस यानी गोवा में हो रही है और ये गोवा में 7 स्टार होटल यानी रिजॉर्ट में जो कि बीच के पास है, वहां पर अपनी तमाम जितनी भी प्री वेडिंग फेस्टिविटीज है और जो वेडिंग फेस्टिविटीज है तमाम के तमाम वहीं पर कर रहे हैं और फिर इनका रिसेप्शन कैंसिल कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस केसेस की वजह से। व्यूअर्स, आपको इनकी तमाम पिक्चर्स और तमाम वीडियोस देखकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।